पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियांदाद के वीजा का कांग्रेस के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद जगदंबिका पाल का कहना है कि मियांदाद को वीजा नहीं मिलना चाहिए, इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। गौरतलब है कि जावेद मियांदाद दिल्ली में होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले को देखने आने वाले हैं, उन्हें गृह मंत्रालय ने वीजा भी दे दिया है। जावेद मियांदाद और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आपस में समधी है, इसी बात का विरोध जगदंबिका पाल कर रहे हैं कि जावेद मियांदाद क्रिकेटर से ज्यादा अब दाऊद इब्राहिम के समधी के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं, इसलिए उनको वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से दाऊद इब्राहिम, चाहे 26/11 का सवाल हो या चाहे मुंबई में उसके पहले जो विस्फोट हुई थी घटनाएं हो, इस देश में आतंकवाद के पीछे उनको मास्टरमाइंड के रूप में माना जाता है। वो एक मोस्ट वांटेड केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए हैं, और उनके समधी को वीजा दिया जाना मैं समझता हूं कि कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि जहां हम दाऊद इब्राहिम को आज भी मोस्ट वांटेड मान करके पाकिस्तान से हम वापस करने की मांग कर रहे हैं, और पाकिस्तान कहता है कि हमारे मुल्क में वो नहीं है, और उनके सगे संधि और उनको वीजा दिया जाना, ये कहीं न कहीं यहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा।